तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई राउंड की बैठकें हुई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। अब ना किसान एक इंच पीछे हटने को तैयार है और ना ही केंद्र की मोदी सरकार। इन सब के बीच किसान आंदोलन को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इशारों में मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। दरअसल बागपत में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों के मामले पर जब मैंने देखा कि क्या क्या हो रहा है तो मैं रुक नहीं सका। मैं बोला, मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से प्रार्थना करते हुए कहा, एक तो किसानों को दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना क्योंकि ये सरदार लोग 300 साल तक याद रखते हैं, और दूसरे इन पर बल प्रयोग मत करना। मलिक ने कहा कि जिस दिन राकेश टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था उस दिन 11 बजे मैंने हस्तक्षेप करके उसको रुकवाया और कहा कि यही मत करना, उसका मुझे नुकसान भी होता है। मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने मंच से दावा करते हुए कहा कि मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलकर आया हूँ जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ कि ये गलत रास्ता है। किसानों को दबाकर यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, दूसरे अगर चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ MSP को कानूनी तौर पर मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेदारी है, मैं निपटवा दूंगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं गवर्नर होने लायक आदमी नहीं हूं और उसकी वजह यह है कि गवर्नर को चुप रहना पड़ता है, गवर्नर को सिर्फ दस्तखत करने पड़ते हैं, गवर्नर को आराम करना पड़ता है, गवर्नर को कोई काम नहीं करना पड़ता, किसी बात पर बोलना नहीं पड़ता और मेरी आदत है कि कोई बात अगर होती है तो मैं जरूर बोलूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और ब्लू स्टार ऑपरेशन का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि बागपत में पैदा हुए सत्यपाल मलिक अलीगढ़ से सांसद रहे हैं, उन्हें साल 2017-18 के बीच बिहार में राज्यपाल बनाकर भेजा गया, वो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल थे। साल 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद मलिक को नवंबर 2019 में गोवा भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें पिछले साल मेघालय का राज्यपाल बना दिया, वो ओडिशा के गवर्नर भी रह चुके हैं। अपनी बेबाकी के लिए मशहूर सत्यपाल मलिक की इस चेतावनी का मोदी सरकार पर क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।